हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूं शहजाद और आज मैं जा रहा हूं अपने घर गांव। तो आज शाम को मेरी फ्लाइट है और फ्लाइट से मैं जाने वाला हूं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अपना लगभग सारा सामान रेडी है। ये हैंडबैग है और ये इसमें मेरा लैपटॉप है और ये मेरा सूटकेस, ये भी रेडी है। बस चैन बंद करना है और ये चप्पल पहनने हैं और निकल जाना है, क्योंकि जूते पहन के जाने में मज़ा नहीं है। तो दोस्तों, बैठ गया मैं ऑटो में। अभी बस इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑटो कब निकलेगी। बस एक आदमी कम है। निकल गई हमारी ऑटो दोस्तों। अभी बस स्टेशन मुझे पहुंचना है और मैं पहुंच गया अंधेरी स्टेशन। एक घंटा ट्रेन में बैठने के बाद अभी निकलना पड़ेगा बाहर। यहाँ से मुझे ऑटो करना पड़ेगा और मैंने कर लिया ऑटो, बैठ गया हूँ। बस अंधेरी स्टेशन से निकल गई है गाड़ी। अब देख रहे हो सुबह सुबह का मौसम। बस अब एयरपोर्ट पहुँचना है, ये लिखा है। हाँ, अभी पहुँचेंगे। हम पहुँच गए हैं अंधेरी एयरपोर्ट, जो कि ये बस स्टॉप है। अभी यहाँ पे शायद काम वगैरह चल रहा है और ये है बस स्टॉप। आप चाहो तो बस से भी आ सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्ट ऑटो कर लिया क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। और ये मैं आ गया हूँ ऊपर लिफ्ट से। ये ऊपर का नज़ारा है दोस्तों। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा इस एयरपोर्ट पे, फ़ोटोज़ वीडियोज़। और मैं बैठ गया रेस्टोरेंट में। चलो भाई, भूख लगी थी तो खाना खाने तो पड़ेगा। और यहाँ पानी भैया 70-80 रुपए का एक छोटा वाला बोतल। मैं वेट कर रहा हूँ कब खाना आ जाए। बस ये देख लो, कॉफ़ी लग गई है। खाना खाने के बाद मैंने कॉफ़ी ले लिया। ये कुछ पिक्चर्स निकाल लिए हमने। और बिल तो भैया 1200-1400 रुपये का आया है। देख लो, बहुत महंगा है भाई यहाँ पे। भाई देखो, सुबह सुबह का मौसम है, सुबह ही फ्लाइट है मेरी और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि बारिश हुई थी। अभी बारिश होने वाली भी है। फाइनली दोस्तों, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, अंधेरी एयरपोर्ट पे। और ये फ्लाइट को अभी टाइम है तो टेंशन नहीं है, इसलिए थोड़ा घूम फिर लूँ। तो ये दोस्तों अंदर का नज़ारा है जहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं सेलिब्रिटीज़ की। और यहाँ से इंडिगो का लाइन देखना पड़ेगा हमें। लाइन में देख लो, यहाँ चेक इन चल रही है। मैं लाइन में लगा हुआ हूँ भाई। बस यहाँ से आप ऑनलाइन भी बोर्डिंग पास निकाल सकते हो। अंदर देख रहे हो सारे लोग सामान लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे वज़न किया जाएगा बैग का, कितना क्या है, स्टिकर लगाएंगे, उसके बाद आगे बैग जाएगा। 7 kg आप जो है अपने साथ लेके जा सकते हैं, बाकी का जाएगा सीधा फ्लाइट में। और अब जा रहे हैं अब सीधा चेक इन के लिए। यहाँ पे सारी चीज़ निकालने पड़ते हैं, एक एक चीज़, बेल्ट, घड़ी, मोबाइल, चार्जर, हर चीज़। चेक इन होने के बाद फाइनली दोस्तों आ गया मैं बाहर। अभी जाते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे तरफ हमारी फ़्लाइट लगी हुई है। और ये अंदर का नज़ारा है। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हम, क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही हमारी फ़्लाइट लगी हुई है। अभी थोड़ा टाइम है, बस अब गेट पे अपने पहुंचना है। ये सारे फ्लाइट उसका लगा हुआ है यहाँ पे कि कौन सी फ़्लाइट कब आएगी, नहीं आएगी। और दोस्तों सब कुछ यहाँ का चेकअप हो चुका है, सिक्योरिटी चेकअप, बैग वगैरह सब कुछ। अब मैं आ गया हूँ अंदर, अब बस फ्लाइट का टाइम हो जाए। आप चाहो तो दोस्तों अंदर शॉपिंग भी कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इधर दुकानें लगी हैं। आप जो भी चाहो यहाँ से ले सकते हो। अब मुझे निकलना अपनी गेट की तरफ। यहाँ पे वेटिंग है, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं कि भाई अपनी फ़्लाइट कब निकलेगी। देखो बहुत सारी फ़्लाइटें हैं यहाँ पे जो कि अभी निकलने वाली हैं। टाटा सिया एयर फ्लाइट है और वो विस्तारा है। इधर सारी फ़्लाइटें लोडे होती हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो वगैरह अपना भी निकाल लेते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है यार, तो मज़ा तो आता है। अपना थोड़ा बहुत वीडियो निकाल लिया है मैंने। अभी देखो ये अभी एक फ़्लाइट जो है ये निकलने वाली है। सब कुछ लोड वगैरह हो गया है इसमें, टाटा सिया एयरलाइंस है। देखो कितनी बारिश हुई है, पानी भी नीचे लगा हुआ है। और इस साइड भी हैं, बहुत सारी हैं फ्लाइटें। और ये आगे में वॉशरूम साइड देख रहा हूँ, इधर डिज़ाइनें बहुत अच्छी अच्छी बनी है। ये वॉशरूम जाने का रास्ता, और इधर देखो ये सब डिज़ाइनें देखो, अजीब अजीब तरीके के डिज़ाइन बने हुए हैं, सारे नक्शे वगैरह। दोस्तों अभी उड़ने वाली है फ्लाइट, उड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तो मैं इधर ही घूम रहा हूँ। आया था वॉशरूम, अच्छा बनाया, बहुत अच्छा है एयरपोर्ट यार, मतलब। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया अनाउंस, यहाँ पे अपना टिकट दिखाना है, अंदर निकलना है। तो अपना चेक इन वगैरह हो गया, मैं निकल गया। अब चलते हैं सीधा फ्लाइट के अंदर। ये सीढ़ी टाइप का एक लगा रहता है जिससे हम डायरेक्ट अंदर फ्लाइट के अंदर जाएंगे, और काफ़ी अच्छा है। मैंने थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया है ताकि लंबा वीडियो है, लॉन्ग है। यहाँ सारे ये लोग सामान अंदर फ्लाइट के अंदर, यहाँ पे जो विकलांग वगैरह होते हैं उनके लिए कुर्सी भी रहता है। और ये देखो
ये यहाँ पे ये सीढ़ी टाइप का, आप जब भी जाओगे फ्लाइट में तो ये सब लगा मिलेगा आपको सीधा फ्लाइट के अंदर जाने के लिए। ये देख रहे हो बारिश भी काफ़ी हुई है अभी, अंदर ये लाइन लगी है, एक एक करके यहाँ फ्लाइट के अंदर लेते हैं टिकट। वहाँ भी चेक होगा, चेक इन तो भैया बहुत है। ये देखो इसमें भैया नाचते टाइम कुछ भी फंसा तो कटना तो है निश्चित। मैं दूसरे से वीडियो बनवा रहा हूँ, पहचान का कोई मिल गया अपने साइड का पटना का ही, तो उससे वीडियो बनवा रहा हूँ अपना। और ये देखो यहाँ पे टिकट चेक इन होती है। अरे आएगा भैया हम अंदर, यहाँ पे सब सीट हिसाब से होता है, यहाँ पे अपना सीट देख के बैठना होता है। और इसमें जितनी भी ये अब सीट बेल्ट कैसे लगाया जाता है, इसमें अच्छे से सीट बेल्ट लगा ली। अब दिखाता हूँ थोड़ा सा इधर बाहर का नज़ारा, बैठ तो गए हैं। खिड़की वाला मिला नहीं भाई, क्योंकि हमने खिड़की वाला ले नहीं पाए हम। और सारे लोग बैठ गए हैं, कुछ लोग अपनी सीट वगैरह देख रहे हैं। और ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है। तो दोस्तों फाइनली सब लोग बैठ चुके हैं, गाने वाने लगा के अपना फिल्म वगैरह जो देखना है। देखो सारे लोग बैठ गए हैं और काफ़ी लंबी फ्लाइट है अंदर से तो। और ये देख लो काफ़ी आधा एक घंटा आज फ्लाइट लेट है बारिश की वजह से, ये धीरे धीरे रनिंग में है। देखो कितनी सारी फ्लाइटें लाइन में लगी हुई हैं। तो भैया पूरा 2 घंटे बाद ये पटना में लैंड करने के वक्त का ये वीडियो है। देखो कितना मस्त लग रहा ऊपर से नज़ारा, 2 घंटे बाद की ये वीडियो है अब लैंड करने के टाइम में। फ़ोन फ्लाइट मोड में लगा के छोड़ दिया था, बस वीडियो बनाया है ताकि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बारिश का भी मौसम है, अभी देखते हैं उतरने के बाद कैसा क्या है। अभी नीचे लैंड कर रहे हैं। बहुत ही करीब देख रहे हो कितना बड़ा दिख रहा है, चारों तरफ लाइट ही लाइट। बस लैंड करने वाली है, पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो फाइनली दोस्तों लैंड कर चुकी है। थोड़ा सा झटका लगता है, बस हल्का सा झटका बस फील होता है कि उतर गई है। और लैंड कर चुके हैं हम यहाँ पे पटना एयरपोर्ट पे। काफ़ी रफ्तार होती है लैंड करते टाइम में, बहुत स्लो हो गई है क्योंकि अब बस पहुँच ही गए हैं। अब स्लो मोशन में उतारेगी, यहाँ पे लगा रही है शायद सीढ़ी वगैरह आ रहा उधर से। भैया लग गए यहाँ पे, सीढ़ी लगा दिया है, बस यहाँ पे घुमा के वहाँ लगाएंगे। देख रहे हो कितने सारे लोग हैं सीढ़ी को लगाने के लिए, गाड़ियाँ भी आ गई हैं। वो गाड़ियों में अनलोडिंग होगा, जो भी सामान है सारे उतारे जाएंगे इधर। भैया उतरना स्टार्ट हो गए सब लोग, मैं भी निकल ही गया हूँ। और ये ऐसे सीढ़ी से उतर रहे हैं हम, बहुत बड़ी फ्लाइट है इंडिगो, काफ़ी अच्छी फ्लाइट है, आप भी इसे सफ़र कर सकते हो। अच्छा लगा, मज़ा आया, फर्स्ट टाइम था, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ से दोस्तों उतरने के बाद सब लोग आराम आराम से उतर रहे हैं। यहाँ से उतरने के बाद अब सीधा जाके बैग के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। उतर जा भैया जल्दी जल्दी, क्योंकि फ़्लाइट ऑलरेडी लेट थी, यहाँ पहुँचाया हमें 10 बजे रात को। नीचे अब उतर ही गए हैं, उसके बाद से भी जाकर उधर लाइन में लगना पड़ेगा बैग के लिए। बस अपने यहाँ आने की बात ही अलग होती है भाई, क्या मस्त हवा चल रहा है इधर। अब इधर थोड़ा बहुत फ़ोटो शोटो हो जाए, थोड़ा फ़ोटो वगैरह तो खींचना तो पड़ेगा ही ना भाई। ये देखो सीढ़ियाँ वगैरह लगी हैं, रात के टाइम में इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन सुबह का टाइम में बहुत मज़ा आता है। लेकिन उधर से मैं रिटर्न ही आने वाला हूँ, उधर का भी वीडियो मैंने डाला हुआ था सुबह के टाइम का। मस्त हवाएं चल रही हैं, ये है अपना एयरपोर्ट पटना का। अब बस जाना है बैग लेने के लिए, वहाँ भी आधा एक घंटा लगने वाला है। देखो कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, अपने अपने बैग लेने के लिए सब लोग लगे हैं। ऐसे बैग आती हैं, इसमें से बैग, बस वो रहा मेरा बैग, सबसे पहले मेरा बैग ही आ गया भाई पहले लाइन में। अब निकलते हैं भाई बाहर, चलो बाहर निकल के ऑटो देख, क्योंकि यहाँ से ऑटो लेके सीधा मुझे अपने दोस्त के रूम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो घर जाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। बस वीडियो को दोस्त यहीं ख़त्म करते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।